बैठा रहा हूँ, आज कोई हम कमेंट में बात नहीं करेंगे, आज आपको एक छोटी सी एडवाइस करनी, जो मेरा ओपिनियन है। कई लोगों को मसला होता है, पार्टनर के अंदर लड़ाई होती है, जितनी भी लड़ाई हो, जितने मसले हों, आपका रिसॉल्व होता है अगर आपका रिलेशन बेड पे अच्छा है। मतलब हस्बैंड वाइफ का जितनी भी लड़ाई हो, बेड पे आप आके इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप में बेड के अंदर आप रिलेशन में आपकी दूरी होगी, तो आपकी उतनी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएंगी। जब आपका बेस अच्छा होगा, मतलब एक मर्द औरत में जो रिलेशन होता है, वो बेड का रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं समझता हूँ, इवन 80% रिलेशन आपका इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी जितने भी मसले मसाइल होती हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं मोर करेज के साथ। और मैन हमेशा तब मोर स्ट्रांग होता है जब उसको पता है उसकी मिसिस या उसका पार्टनर उससे हैप्पी है। और जो फीमेल होती है, वो हमेशा हैप्पी होती है जब वो अपने हस्बैंड, अपने मैन, अपने पति, अपने खावंद के आँखों में वो देखती है उसकी कशिश, के वो उसकी आंखों में एक भूख है अपनी पार्टनर के लिए। तो जस्ट मेरे माइंड में ये एक आया, एक छोटी सी लाइक एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को, जितनी भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने बेड पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना के रखें। अगर आपका रिलेशन नॉट एवरीडे, वीक में एक या दो बार आपको मस्ट होना चाहिए रिलेशन, जिससे आपका बेस बना रहता है, जिसमें आपके दोनों के अंदर प्यार रहता है। स्टे सेफ, थैंक यू।